गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. बेटा मैथमेटिक्स में हम यूनिट 9 कर रहे थे, टाइम एंड कैलेंडर. तो हम टाइम के बारे में कर रहे थे, वॉच के बारे में. ठीक है, वर्कशीट 1 मैंने आपको समझा दी थी. ठीक है, आज हम वर्कशीट 2 करेंगे. ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि जैसे 12 बजे के बाद, जैसे 13, 14, 15, 16 इस तरह से आता है, कई बार आता है ना. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 बजे, जब दोपहर के 12 बजते हैं, जैसे अभी जो है 12:45 के आसपास हो रहा है. ठीक है, इससे पहले जब 12 बजे थे, तो जब 12 नून, वो 12 नून होते हैं. ठीक है ना, और 12 बजे के बाद 12:01, 12:02, 1. ठीक है, तब वो पीएम काउंट हो जाता है. तब हम काउंट कैसे करते हैं 12 बजे के बाद, कि दोपहर के 1 बज गई, दोपहर के 2, है ना, इस तरह से करते हैं ना, तो वो पीएम में लेते हैं. पर कई बार क्या होता है, आप जो वॉच होती है वो 24 आवर्स वाली भी होती है. ठीक है, अब आप रेलवेज़ में जाओ या मतलब कि कहीं आप बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर कई बार 24 आवर वाली क्लॉक लगी होती है. तो वो होती है, तो उसमें जब आगे की काउंटिंग होती है 12 के बाद, हम तो बोलते हैं ना दोपहर के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर शाम के 5 बजे, 6 बजे, वहाँ पे क्या होता है 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह से. ठीक है, तो 12 बजे तक एएम काउंट करते हैं, और 13, 14, 15, 16 इस तरह से वो 24 तक. ठीक है, वो आपका पीएम काउंट होता है. ठीक है, तो हम आपकी वर्कशीट करेंगे, उसमें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. ये आपकी वर्कशीट 2 है, पेज नंबर आपका 127. ठीक है, इसमें पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे. पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइम यूजिंग एएम, पीएम और नून और मिडनाइट. ठीक है, तो पहला क्या है, 7:40 आवर्स. 7:40 से तो पता चल रहा है, 12 बजे से पहले वाले हमने एएम लेने हैं बेटा, और 12 बजे के बाद जब काउंटिंग चलेगी 13 से 24, तो हमने पीएम लेनी है. बस एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है. ठीक है, तो ये 12 बजे से पहले वाला टाइम है 7:40, यानी सुबह के बजे, सुबह का टाइम है 7:40, तो हम लिखेंगे एएम. ठीक है, उसके बाद है 9:40 आवर्स, मतलब ये भी सुबह का टाइम है 9:40, तो यानी एएम. ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद देखो 12 मतलब 12:50 आवर्स. ठीक है, तो ये तो मतलब जैसे दोपहर के 12, जैसे अभी टाइम हो रहा है. ठीक है, तो हम उसको किस में लेते हैं, पीएम में. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, पीएम, क्योंकि 12 बजे के बाद मैंने आपको बोला ना कि हमने पीएम लेना है बस. ठीक है ना, अब अगला देखो, ये ये समझने वाला है. 15:30 आवर्स, यानी 15:30 आवर्स. अब आप कहोगे 15 तो बजते नहीं है घड़ी में, वो कैसे पता चलेगा. यानी कि पहले तो आप ये समझो कि 15:30 आवर्स 12 बजे के बाद हमने पीएम लेना है. एक्चुअल में टाइम कितना हुआ है अगर आप जानना चाहते हैं तो देखो इस 15 है ना, इस 15 में से 12 लेस कर दो, यानी घटा दो. 5 में से 2 गए, 3. ठीक है, तो यानी कितने बजे हैं ये, 3:30 आवर्स, यानी दोपहर के 3:30 नहीं बोलते जिसको आप, 3:30 आवर्स उतना टाइम है. मतलब ये कितना टाइम है, 3:30 आवर्स. तो 3:30 में तो पीएम ही काउंट करेंगे ना, तो ये पीएम आ जाएगा. ठीक है, ये देखो 18:50 मतलब 18:50 आवर्स. तो 12 बजे के बाद तो मैंने आपको बोला अपने पीएम लेना है, ये तो चलो ठीक है कि आप पीएम ले लेंगे, बट ये एक्चुअल में टाइम कितना हुआ है, जो आगे वाले डिजिट होती है ना 18, ये जो होती है, आप इसमें से 12 को घटा दो. 8 में से 2 गए, 6. ठीक है, और 1 में से 1 गई, 0. यानी शाम के ये 7:50 लिखे ना, ये हम ऐसे ही लिख देंगे. 6:50 आवर, जैसे 7 बजने से मतलब कि 7 बजने में 10 मिनट है अभी, तो 6:50 आ रहा है, तो वो तो पीएम में होंगे ना, इस तरह से ये. ठीक है, 21:30 आवर्स, ये आप पीएम में लेंगे, और ये भी आप इसी तरह से 21 में से 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे. तो पहले 11 में से 2 घटाओ. ठीक है, और 1 में से 1 गई, 0. तो यानी 9:30 आवर्स पीएम. ठीक है, इस तरह से 14:05, जब हम 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2:05 आवर्स, यानी 2:05 हो रहे हैं, तो वो पीएम हो गया. ठीक है, 12 आवर, ये देखो बेटा 12 आवर जब आपकी क्लास होती है 12 बजे, वो होती है नून. ठीक 12 बजते हैं ना, उसको हम नून बोलते हैं. 24 आवर्स मतलब 24 में से 12 को लेस करो. 4 में से 2 गए, 2. 2 में से 1 गए, 1. और ये आवर्स, यानी कि ये रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि 24 लिखा है ना, हमने पीएम लिखना है, मतलब मिडनाइट, रात के 12 बजते हैं ना, वो है ये मिडनाइट. ठीक है, ये आपका पहला सम हो गया कंप्लीट. सेकंड सम हम बाद में करेंगे, थर्ड सम समझाती हूँ मैं आपको. थर्ड देखना आपने, रीड द रेलवे टाइम
इस वीडियो में हम पहला सम ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड समझाती हूँ, ठीक है? वीडियो लंबी हो जाएगी ना वरना, ठीक है? ये समझना है आपने अच्छे से, ठीक है? थैंक यू।